हाय गाइस, अभी हम लोग जो हैं वो जानेश्वर मिस पार्क है जो कि लखनऊ में है और ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम कहीं ऐसे जगह जाएंगे जहां थोड़ा ग्रीनी हो और थोड़ा हिस्टोरिकल, क्या हिस्टोरिकल तो नहीं कहेंगे, हाँ कह भी सकते हैं क्योंकि जानेश्वर मिस के नाम पर ये पार्क बना हुआ है। सो यहाँ पे इवनिंग में अगर आप आते हो तो काफ़ी अच्छा है। और बाकी आपको दिखा सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है, ये एक झील है। सो बहुत खूबसूरत है, इसमें बोटिंग भी होती है, बट इस टाइम स्टिल COVID-19 की वजह से चीज़ें बंद है, बहुत सारी चीज़ें नहीं खुली हुई हैं। तो चलिए आगे का और पार्क दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं इधर सनसेट, रुक जाइए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, इधर सनसेट दिख रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो अभी ये प्रॉपरली खुला नहीं है बिकॉज ऑफ आपको अभी मैंने बताया कि COVID-19 की वजह से, बट ये लखनऊ में क्या एशिया का बड़ा पार्क है ये मैंने आपको अभी बताया, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग का भी है यहाँ पे, तो आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है साइकिलिंग। कोई नहीं, शूट करते हुए ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो गाइज, क्या बोलूँ, मतलब कैमरे के सामने बात करना और पीछे से कोई आ जाता है तो मतलब वो ऐसे देखता है कि ओ क्या कर रही है, ये किससे बात कर रही है, तो ये सब ब्लॉगर को फेस करना पड़ता है गाइज, आप समझ सकते हैं। और आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लोर करानी है और दिखानी है तो छोटी छोटी चीज़ें तो फेस करनी पड़ती है, अब तो आदत सी बन गई है, लोग देखते हैं, मैनेज हो जाता है और मैं हंसती रहती हूँ तो कोई बिग इशू होता नहीं है। चलिए ये सब बातों को छोड़ते हैं, आपको हम दिखाते हैं पूरा पार्क और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में हम देंगे आपको कि टिकट्स क्या हैं, कितने की टिकट्स आती हैं और कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, और फिर इसका लोकेशंस भी हम बताएंगे आपको आगे। तो फिलहाल तो आप पूरे पार्क को इंजॉय करिए, आपको सारे पार्क की लोकेशंस और चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो लेट्स, सबसे पहले हम एंट्री गेट पे टिकट घर के पास जाएंगे और वहाँ से टिकट लेंगे, जो कि टिकट जो है वो 10 रुपीज़ का है, पर हेड 10 रुपीज़ है टिकट का। और जो टिकट होगा कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं इस टिकट को, ये मैंने टिकट ले लिया है 10 रुपीज़ का। और अगर आप चाहते हैं साइकिलिंग एंड जो भी आप एक्टिविटीज़ करना तो उसके भी टिकट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जो पार्क की टाइमिंग है वो सुबह के 4 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक की है, मतलब सुबह 4 बजे खुल जाता है अर्ली मॉर्निंग और 10 बजे क्लोजिंग टाइम है। ये जो पार्क है आपको गोमती नगर, लखनऊ में गोमती नगर एक्सटेंशन के पास है, और ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है। और ये मैंने बताया अभी अब थोड़ी देर पहले कि ये एशिया का लार्जेस्ट पार्क है, मतलब एशिया का ये सबसे बड़ा पार्क है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो जब हम एंट्री करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही ग्रीनी ग्रीनी दिखेगी और एक बहुत ही अच्छा फील और एक अच्छा टच और एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको फील होगा। तो ये है पूरा जो दिख रहा है सामने से, ये जानेश्वर मिश्र पार्क है और देखिए काफ़ी खूबसूरत है। चलिए आपको अंदर और भी घुमाते हैं। जो पूरा पार्क है 376 एकर्स में बना हुआ है, काफ़ी लार्ज है। यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल सकता है देखने को, यहाँ पे आप योगा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि इंसान अगर चाहे तो 4 बजे ये खुल जाता है, तो आप जाके अपना योगा वाला एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। Running out of air.
और एक और चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको फोटो शूट कराना है या फिर मतलब होता है ना पिकनिक वगैरह वाला कुछ टच चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। लखनऊ का मतलब पीसफुल एरिया है। अगर अम्बेडकर पार्क की भी बात करें तो वो भी अच्छा है अपनी जगह, बट वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनी टच नहीं है। वहाँ पे ये है कि वो जो भी चीज़ें बनी हुई हैं संगमरमर और फिर जो पत्थर की चीज़ें बनी हुई हैं, तो अगर आपको ग्रीनी टच चाहिए या फिर आप पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे खेलना चाहते हैं, जैसे कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको संडे सैटरडे को आना है खेलने के लिए, तो यहाँ पे खेलने के लिए भी, साइकिलिंग करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। Self-conscious and scared, held prisoner of war. Running out of air, buried in the sand. Found a way out of this paralyzing world. So guys, अगर आप क्या बोलते हैं साइकिल रेंट नहीं कर रहे हैं और साइकिल से आप नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है आप पूरे पार्क को ना घूम पाए और ये काफ़ी लेंदी भी हो सकता है, आपके हो सकता है पैर में पेन हो या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। और मेरा सजेशन है कि आपको साइकिल रेंट करना चाहिए बिकॉज ऑफ अगर आप पूरा पार्क घूमना चाहते हैं तो, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं फुटबॉल या कुछ भी खेलना तो भी और मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मैंने साइकिल लिया नहीं था छोटा सा बच्चा जो उधर गया है अभी ऐसे कर रहा था मुझे होता है ऐसा होता रहता है, इट हैपेंस। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं थक गई हूँ बिकॉज मैंने साइकिल नहीं लिया था। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा वॉक करके ही शूट करूँ, तो आप देख सकते हैं पूरे फेस पे स्वेट भी आ रहा है। तो ये पार्क काफ़ी अच्छा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब पूरा मैं शूट करूँ, तो जितना मैंने दिखाया उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी है, आप आके यहाँ पे खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा और पार्क को इंजॉय करूँगी और फिर निकल जाऊँगी क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और अंधेरे में कैमरे से वीडियो जो बनती है वो तो एकदम ऐसे वाली होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं शूट करने का। किसी दिन में आएंगे तो पूरा कैप्चर करेंगे। तो आप भी बताइए कि आपको ये पार्क कैसा लगा। Self-conscious and scared, held prisoner of war. Running out of air, buried in the sand. Found a way out of this paralyzing world. And the son of a Christ, when I found this lost one dying. Feel like no one knows what it's like.